हेलो एवरीवन, आज का बेहद इम्पॉर्टेंट आर्टिकल साउथ वेस्ट मानसून से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि साउथ वेस्ट मानसून हमारे इंडिया में कैसे टच करता है और लीनो का कैसे इफ़ेक्ट होता है। लानीना, डबल डिप लानीना मेरे द्वारा बताया गया। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों नॉर्थ ईस्ट मानसून इंडिया के साउथर्न पार्ट में आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट आज का डिस्कशन होने वाला है। आपसे मेरी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमारे YouTube एल्गोरिथम में आ सके और हम जीविका उपार्जन कर सकें और नए नए रिसोर्सेज आपके लिए ला सकें। ठीक है, तो पहला आर्टिकल हम आज देख लेते हैं। देखो, पहला आर्टिकल वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून का, मगर उसके अलावा मैंने क्या किया है, आज से हम आर्टिकल सेशन चालू कर रहे हैं। न्यूज़पेपर डिस्कशन से पहले हम कुछ आर्टिकल डिस्कस किया करेंगे, मतलब वन बाई वन करेंगे, ताकि हमारी पॉलिटी के कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पूरी हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखिए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब पहला आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट वन का। तो हम जानते हैं, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब ओरिजिनली जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो उसमें 395 आर्टिकल थे। ठीक है, और शेड्यूल थे 8 शेड्यूल थे और बाकी पार्ट थे। ठीक है, तो ये जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन आया, इसमें अमेंडमेंट हुए, आर्टिकल बड़े कम भी हुए, ज़्यादा हुए, जो मैंने बताया वो मे बी गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है उसमें, मैं आपको देख के क्लियर करूँगा। उसके बाद क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस हुए। जैसे आपको एक इम्पॉर्टेंट चेंज बता देता हूँ कि जो लैंड राइट था वो कभी फंडामेंटल राइट था, परमानेंट राइट था और आर्टिकल 31 के अंदर आता था। तो बहुत सारे जमींदार ने अपोज किया कि लैंड एक फंडामेंटल राइट है और इसको, जब लैंड रिफॉर्म आया, जब लैंड रिफॉर्म आने के बाद लोगों ने, मतलब पॉलिटिकल पार्टी ने अपोज किया कि बहुत सारे लोगों के नाम बहुत सारी लैंड है, तो प्रॉपर सीलिंग होना चाहिए कि एक बंदे के नाम इतनी लैंड होना चाहिए और टीनेंट्स जो हैं उनको लैंड मिलना चाहिए। तो ये एक फंडामेंटल राइट था, जो प्रॉपर्टीड क्लास थे, जो अमीर थे, कॉलोनियल के पास थे, उन्होंने इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया था। मगर जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको, फंडामेंटल राइट को रिमूव किया और इसको एक एज अ लीगल राइट बना दिया 300A के अंदर, आर्टिकल 300। मतलब आपके पास एक राइट है कि आपके पास लैंड है, मगर फंडामेंटल राइट नहीं है कि आपकी लैंड कोई भी स्नैच नहीं कर सकता, ये सब नहीं हो सकता, आप एक अपर सीलिंग लिमिट नहीं रख सकते। तो मगर 44th अमेंडमेंट, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि 44th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का आया, उसने क्या किया, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 को रिमूव करके लीगल राइट 300A प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो मतलब आर्टिकल 300A के अंदर लैंड राइट एक लीगल राइट हो गया। तो हम हर चीज़, पॉलिटी की हर चीज़ एलोबरेटली डिस्कस करने वाले हैं, मगर आर्टिकल्स में कन्फ्यूज़न रहती है, तो डे टू डे अगर हम 2-3 मिनट दे देंगे तो हमारे आर्टिकल क्लियर हो जाएंगे। देखो, पार्ट वन में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वन में क्या है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है और इसमें जिक्र है यूनियन एज वेल एज इट्स टेरिटरी। देखो, टेरिटरी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इस टेरिटरी के अंदर स्टेट्स भी आ जाते हैं, यूटी भी आ जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर टेरिटरी वर्ड यूज़ हुआ है। टेरिटरी वर्ड क्या होता है कि वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, वो अदर, जो अदर स्टेट होते हैं और यूनियन टेरिटरी होती है उसको इन्वॉल्व कर लेता है, और हम फ्यूचर में जो टेरिटरी अपने अंदर लेने वाले हैं, फ्यूचर में जो अदर स्टेट की टेरिटरी है, अदर कंट्री की टेरिटरी है, हम अपने स्टेट में इन्वॉल्व करने वाले हैं, उसको भी ये टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट अपने अंदर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं आर्टिकल वन का। तो इंडिया, जो इंडिया है वो एज अ यूनियन ऑफ स्टेट है। तो क्या हुआ, यहाँ पर पहले इन्होंने बताया है कि इंडिया इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ स्टेट इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। रीजन फॉर, मतलब अंबेडकर साहब ने इसका रीजन बताया, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, हमारा भी फेडरेशन है, मगर हमने यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज़ किया। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि अंबेडकर साहब ने इसके 2 रीज़न दिए हैं कि हमने
क्यों प्रीफर किया यूनियन ऑफ स्टेट ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट। देखो फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन ये होता है कि स्टेट के पास कुछ पावर होती हैं। आप इस चीज़ को रट लीजिए कि जो फेडरेशन वर्ड है उस फेडरेशन का मतलब होता है कि एक सेंट्रल टेरिटरी है, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी है, और उसके अगल बगल बहुत सारी छोटी अथॉरिटी हैं जिसे हम स्टेट बोलते हैं। तो इनको जो है सब्जेक्ट ट्रांसफ़र किए जाते हैं, सब्जेक्ट डिवाइड किए जाते हैं ताकि स्टेट ऑटोनॉमसली अच्छे से वर्क कर सकें, डेमोक्रेटिकली रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सके। तो यही फेडरेशन है। फेडरेशन के कुछ फीचर होते हैं मैं आपको बताऊंगा, जैसे स्ट्रॉन्ग फेडरेशन के करेक्टर होते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, जुडिशरी होगी इंडिपेंडेंट उसमें, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। जबकि जो यूनिटरी होता है, जो सेंट्रल अथॉरिटी होता है, उसमें जुडिशरी का रोल कम होता है और कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं होता है, ये सब चीज़ें हैं। तो अंबेडकर साहब ने दो रीज़न बताए कि हम फेडरेशन को क्यों ले रहे हैं, हम यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड को क्यों प्रीफर कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू फेडरेशन ऑफ स्टेट। देखो इंडिया, पहला पॉइंट देखो, इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन अरेंजमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक अ अमेरिकन फेडरेशन। क्या हुआ कि अमेरिका में जो होता है वो बहुत सारे स्टेट, मतलब 50 स्टेट ने मिलकर एक अमेरिका कंट्री का निर्माण किया, मगर इंडिया में क्या है कि बहुत सारे स्टेट नहीं मिले थे, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्टेट को अपने अंदर मिलाया गया। तो इसीलिए हमने यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज़ किया है इन कंपैरिजन टू फेडरेशन ऑफ स्टेट। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि हमने यूनियन ऑफ स्टेट क्यों प्रीफर किया है, राइट टू सीसीड फ्रॉम द फेडरेशन इज नॉट अवेलेबल टू द स्टेट, मतलब कि स्टेट को सीसीड करने का अधिकार नहीं है, वो किसी भी अदर कंट्री नहीं बना सकते, किसी भी अदर कंट्री से जाकर नहीं मिल सकते। दिस इज कॉल्ड राइट टू सीसीड, जो अमेरिका में उपलब्ध है, इंडिया में नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि इंडिया को क्यों यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है, जबकि क्यों अमेरिका को फेडरेशन ऑफ स्टेट कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा, आर्टिकल 1 क्या कहता है ये बताया गया। देखो आर्टिकल 1 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। वही बात आ गई, उनने यूनियन ऑफ स्टेट समझा दिया आपको, और इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया के पहले आर्टिकल में जिक्र हो गया इंडिया के नेम का और देयर पॉलिटी का, मतलब पॉलिटी का मतलब इंडिया जो है वो यूनियन है, फेडरेशन तो है मगर फेडरेशन इन फॉर्म में है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन है, वो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी रजवाड़ों को, राज्यों को मिलाया गया है। आर्टिकल 1 क्लॉज 2 क्या कहता है, स्टेट्स दैट ऑल द स्टेट्स एंड टेरिटरी मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल है, मैं आपको शेड्यूल की जो है शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसमें क्या है, जो पहला शेड्यूल है वो हमारा हो गया टेरिटरी, दूसरा शेड्यूल हो गया इम्यूलमेंट, तीसरा शेड्यूल हो गया एलोकेशन, चौथा शेड्यूल हो गया राज्यसभा, पांचवा शेड्यूल हो गया शेड्यूल, और छठा शेड्यूल हो गया अदर ट्राइबल एरिया जो 6th शेड्यूल आता है, सातवां हो गया फेडरेशन, मतलब जो सीटों का डिवाइड है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको एक शेड्यूल, जब शेड्यूल हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कहाँ पर किस चीज़ का जिक्र है और कहाँ पर चीज़ों का, मतलब एमेलमेंट के बारे में बताया गया है, कहाँ पर राज्यसभा की सीट्स के बारे में बताया गया। अब आर्टिकल वन का थर्ड क्लॉज देख लेते हैं, कहता है स्टेट्स दैट टेरिटरी ऑफ इंडिया इज कंप्राइज, मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या कंप्राइज होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया टेरिटरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, टेरिटरी में स्टेट कंप्राइज होगा, यूनियन टेरिटरी कंप्राइज होगा, और टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर बाय इंडियन गवर्नमेंट इन फ्यूचर। मैंने देखो आपको बताया था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती, इस तरह से हमें पढ़ना है कि कोई भी चीज़ हम भूलने ना पाए। तो मैंने टेरिटरी का कॉन्सेप्ट बताया, क्यों टेरिटरी वर्ड यूज हुआ है, तो आर्टिकल हमने 1 पूरा डिस्कस किया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब
जो फ्रंट पेज का आर्टिकल आया है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है और कैसे नॉर्थ ईस्ट मानसून हमारे साउथर्न पार्ट को अफेक्ट करता है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, आज इलेबोरेटली जानेंगे ताकि आपको कोई फ्यूचर में दिक्कत ना हो। देखो नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है हम जान लेते हैं। देखो नॉर्थ ईस्ट मानसून को विंटर मानसून भी कहा जाता है क्योंकि ये अक्टूबर से दिसंबर में आता है, ठीक है, और इसको कैरेक्टराइज किया जाता है एज ए सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। मैं आपको पूरा बताऊंगा, अभी सब्र करिए। विंड जो है वो ब्लो करती है लैंड टू सी में, ठीक है, और ये जो बारिश कराता है हमारे साउथर्न ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, श्रीलंका में बारिश होती है, तमिलनाडु में बारिश होती है, केरला के कुछ रीजन में बारिश होती है, पौंडीचेरी में कुछ बारिश होती है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में मैंने बताया। देखो नॉर्थ ईस्ट मानसून का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये हमारा प्यारा इंडिया क्या होता है, जब साउथ वेस्ट मानसून होता है तो तिब्बतन प्लेटू बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण ये लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो सन है वो सन हमारा मूव करता है, सन मूव नहीं करता है, एक्चुअली हम बोलते हैं ऐसा जब पढ़ते समय, अर्थ मूव करती है। तो जब अर्थ मूव करती है तो सन क्या होता है नॉर्थन साइड में मूव करता है। जून के टाइम में सन मूव नहीं कर रहा है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, अर्थ मूव कर रही है, हम बोलते पढ़ाते समय बोलते हैं, जब नॉर्थन साइड में ऐसे मूव करता है तो यहाँ पर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनता है और ये एरिया बहुत हीट हो जाता है। इस जब सन मूव करता है इसी को हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मतलब जो हीट पैटर्न है वो अपर साइड में मूव कर जाता है तो ये एरिया लो प्रेशर एरिया हो जाता है, और इधर ऑस्ट्रेलिया साइड में यहाँ पर ठंड पड़ती है तो यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है। तो एक्चुअली हवाएं ऐसे चलना चाहिए डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, मगर हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं होती है। अर्थ की जो रोटेशन है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है और जो ये जेट स्ट्रीम है अपर साइड में वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। तो हमारी वेस्टर्न जेट स्ट्रीम क्या करती हैं, जो हाई प्रेशर एरिया को ऐसे करके मूव करती हैं, तो यहाँ से हमारा साउथ वेस्ट मानसून चालू होता है। यही साउथ वेस्ट मानसून हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रेन करवाता है और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है। ये चीज़ आप अच्छे से जान लीजिए। नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या होता है, देखो जून से आप हमेशा याद रखिए, अगर साउथ वेस्ट मानसून की बात हो रही है तो जून से सितंबर लास्ट तक की हो रही है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होती है कि परमानेंट सितंबर ख़त्म हो गया तो मानसून ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, मगर ये है कि जून से सितंबर तक बारिश होती है, एक अनुमान लगाया जाता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून में अक्टूबर से दिसंबर तक बारिश होती है, इसीलिए इसे विंटर मानसून। अब नॉर्थ ईस्ट मानसून देखो क्यों होता, अब ये तिब्बतन प्लेटू, अब ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ पूरा ताकि आपको कोई फ्यूचर में दिक्कत ना हो। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, ये यहाँ से मूव करने लगता है और अब ऑस्ट्रेलिया साइड में गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ बहुत ज़्यादा हीट होने लगती है और ये एरिया जो है हाई प्रेशर एरिया हो जाता है तिब्बतन प्लेटू। अब ये हाई प्रेशर एरिया होता है और देखो तुम एक बात जान लेना, जो वाटर होता है उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, जबकि अर्थ जो मतलब सॉरी लैंड जो होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है। लैंड वाटर की तुलना में जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, जबकि वाटर जो होता है वो स्लोली गर्म होता है और स्लोली ठंडा होता है। तो यही रीज़न है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून में मैंने आपको ऊपर बताया कि लैंड से सी की तरफ हवाएं चलती हैं, ठीक है, पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या होता है, देखो हर चीज़ में एक ही रीज़न नहीं होता है कि तिब्बतन प्लेटू अगर हाई हो गया तभी, विंड भी एक रीज़न होता है। अक्टूबर में क्या होता है, ये एरिया जो है ये ऊपर वाला एरिया, यहाँ पर क्लियर वेदर होता है, बादल होते ही नहीं है, बिल्कुल भी बादल नहीं होते, इसकी वजह से यहाँ पर हीट बनने लगती है तो ये एरिया गर्म होने लगता है। पहला रीज़न क्लियर कंडीशन होती है। आप हमेशा याद रखिए यूपीएससी सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यूपीएससी ये पूछेगा नहीं कि तिब्बतन प्लेटू में हाई प्रेशर एरिया बन जाता है इसलिए नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि अक्टूबर में क्लियर कंडीशन होती है, बादल दिखते नहीं है, एक लो प्रेशर एरिया बनने लगता है और इसी लो प्रेशर एरिया के कारण बे ऑफ बंगाल में अक्टूबर में बहुत ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। साइक्लोन आने का रीज़न यही होता है कि हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवाएं चलती हैं और ये कंडीशन ऐसे बन जाती है। आप साइक्लोन कभी भी देखेंगे तो इक्वेटर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन घूमता है और इक्वेटर के नीचे क्लॉकवाइज साइक्लोन होता है, ठीक है।
तो ये चीज़ हमने नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में जानी। मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या होता है, कैसे साउथ ईस्टर्न रीजन में बारिश होती है, कैसे वहाँ पर लोगों को जो क्रॉप होती है उसको वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अब वेस्टर्न डिस्टरबेंस देख लेते हैं। देखो नॉर्थ ईस्ट मानसून तो आज न्यूज़पेपर में दिया है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में, दिसंबर के बीच में बारिश होती, मगर वेस्टर्न डिस्टरबेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस आज देखेंगे पूरा अच्छे से। वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्या होता है? मेडिटेरियन सीजन। देखो वेस्टर्न डिस्टरबेंस में मेडिटेरियन रीजन में हाई प्रेशर एरिया बनता है। क्यों बनता है? देखो फरवरी आ जाती है, फेब में आते ही क्या होता है, हमारे जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो ऑस्ट्रेलिया साइड में पहुंच जाता है और साउथर्न रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ पर इसी वजह से ये हाई प्रेशर एरिया होता है। दूसरा रीज़न हाई प्रेशर का होता है फ्रंट बनना। देखो फ्रंटोजेनेसिस होती है। फ्रंटोजेनेसिस में क्या होता है, अगर इक्वेटर ट्रॉपिकल एरिया गर्म है और मेडिटेरियन एरिया ठंडा है तो मेडिटेरियन की तरफ से इक्वेटर की तरफ हवाएं चलेंगी और गर्म से इधर को चलेंगी, तो ये कन्वर्ज करता है। जब कन्वर्ज करता है तो कन्वर्जेंस की वजह से बहुत ज़्यादा हमें बारिश देखने को मिलती है और साइक्लोन एक्टिविटी देखने को मिलती है और स्टॉर्म देखने को मिलते हैं। यही रीज़न होता है जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है वो फ्रंटल होता है। कभी भी अगर आपसे पूछे क्या वेस्टर्न डिस्टरबेंस फ्रंटल जेनेसिस है, हाँ, तो आप कहोगे कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है फ्रंट की वजह से डिस्टर्ब मतलब डेवलप होता है। देखो क्या लिखा है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट इन मेडिटेरियन रीजन, मतलब मेडिटेरियन रीजन में ओरिजिनेट होता है और ट्रेवल करता है ईस्टवर्ड टू साउथ एशिया। ठीक है, अभी हम पूरा फिर से डिस्कस करेंगे, पढ़ लेते हैं पहले। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, मतलब कह रहे हैं विंटर में जो डिस्टरबेंस होता है वो विंटर रेनफॉल कराता है नॉर्थन पार्ट में। मैंने आपको बताया इसमें पाकिस्तान, नॉर्थ इंडिया और हिमालयन फुटहिल पर बारिश होती है। हिमालयन फुटहिल क्या करता है, ये जो फुटहिल है ये देखो ये क्या करता है, यहाँ से जो डिस्टरबेंस आता है वो इधर नहीं जाने देता चाइना साइड में, वो इंडिया में बारिश करवाता है। तो ये हमारे गेहूं की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है, मगर समटाइम ये बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो ये भी एक रीज़न होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि नवंबर से फरवरी के बीच में बारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार वेस्टर्न डिस्टरबेंस को एलिबोरेटली डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है, जब फ्रंटल जेनेसिस होती है मतलब फ्रंट बनते हैं, तो उस फ्रंट के केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो है लो प्रेशर एरिया बन जाता है। जब लो प्रेशर एरिया बन जाता है तो ये हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। पहला एक रीज़न ये होता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस का। दूसरा रीज़न होता है फ्रंट बनते हैं। फ्रंट कैसे बनते हैं, मैंने बताया कोल्ड फ्रंट। ये देखो मेडिटेरियन रीजन अपर साइड में, आप ऐसे देख लो ये अपर साइड में, और जबकि हमारा प्यारा इंडिया जो है वो लोअर साइड में, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर थोड़ी कोल्ड होगी, पहला रीज़न। तो ये जो होता है हॉट फ्रंट और कोल्ड फ्रंट आपस में टकराते हैं, तो जो फ्रंट इसे फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। ये फ्रंट की वजह से क्या होता है, यहाँ पर स्टॉर्म आते हैं और रेन होती है, पहला रीज़न हो गया। दूसरा मैंने आपको रीज़न बता दिया कि इंडिया में लो प्रेशर एरिया बनता है ड्यूरिंग डे टाइम। देखो डे टाइम में बनता है क्योंकि बिल्कुल क्लियर वेदर होता है, पूरा सूरज की रोशनी पड़ती होती है, तो इस वजह से यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है और ये लो प्रेशर एरिया हेल्पफुल होता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस के लिए। और दूसरा रीज़न होता है जेट स्ट्रीम, जो वेस्ट से वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं। देखो वेस्टर्ली वर्ड आ जाए तो आप समझना कि वेस्ट से निकलकर ईस्ट की तरफ जाती है। तो ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या करती हैं, यहाँ से रेनफॉल को हमारे प्यारे इंडिया की तरफ को ले जाती हैं। देखो यही चीज़ यहाँ पर दोबारा से मैंने समझाई है कि कैसे मेडिटेरियन रीजन में हाई प्रेशर एरिया बनता है, हमारा इंडिया हीटेड होता है, अराउंड कोल्ड होती है। यही चीज़ बताई अपर जेट स्ट्रीम की वजह से क्या होता है, वो एयर का सर्कुलेशन लोअर प्रेशर एरिया की तरफ से होता है और ब्लैक सी, कैस्पियन सी और मेडिटेरियन सी से कुछ रेंज आती है जो हमारे प्यारे इंडिया में बारिश कराती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स बनाए। ये देखो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है वो अक्टूबर से दिसंबर में आता है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो होता है नवंबर से फरवरी में आता है। विंड पैटर्न क्या होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून का, लैंड से सी की तरफ होता है, जबकि वेस्टर्न डिस्टरबेंस का ईस्ट वर्ड फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है। रीजन कौन कौन सा अफेक्ट करता है,
ये साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया करता है, नॉर्थ ईस्ट तुम्हें पता ही है, नॉर्थ ईस्ट मानसून तमिलनाडु टिप पे होता है, मेनली जो इंडिया का टिप है ये, यहाँ पर बारिश होती है, इसमें श्रीलंका यहाँ बारिश कराता है, जबकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पाकिस्तान नॉर्थन इंडिया यहाँ पर बारिश कराता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इम्पॉर्टेंट जानी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, हमने पूरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और नॉर्थ ईस्ट मानसून को अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है। अगला आर्टिकल देख लेते हैं हम, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रिलेटेड है पिको फ्लेयर जेट से। पिको फ्लेयर जेट क्या होती हैं, कैसे कोरोनल होल से ये पिको फ्लेयर जेट निकलती हैं। देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि यूरोपियन यूनियन, देखो यहाँ देखो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और यूएस स्पेस एजेंसी नासा का एक मिशन है जिसका नाम है सोलर ऑर्बिटल एयरक्राफ्ट, ठीक है। इसने क्या किया है, डिटेक्ट किया है पिको फ्लेयर जेट्स को, जो सन के आउटर स्पेयर से निकलती हैं, आउटर एटमॉस्फेयर से निकलती हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या इनका क्या रीज़न होता है कि पिको फ्लेयर जेट जो होती हैं वो यहाँ से निकलकर हमारे जो स्पेस, मतलब हमारे मैग्नेटिक स्पेयर, जो अर्थ के मैग्नेटिक स्पेयर से यहाँ तक आती हैं। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, ये कुछ सेकंड के लिए रहती हैं पिको फ्लेयर जेट, और इनके अंदर इनफ एनर्जी होती है टू सप्लाई ए कंसिडरेबल फ्रैक्शन ऑफ सोलर विंड, मतलब कोरोनल होल। देखो ये हमारा सूरज है, सूरज के अगल बगल ये डार्क साइड होते हैं। देखो यहाँ देखो, पहले कोरोनल होल ही आप समझ लो, ये कोरोनल होल है। कोरोनल होल की एक खासियत होती है, हम यहाँ पर पढ़ते हैं, देखो कोरोनल होल क्या होता है, सन सरफेस वेयर द फास्ट सोलर विंड आर स्पोर्टेड इनटू आउटर स्पेयर, मतलब कोरोनल होल से क्या होता है, जो सोलर विंड है, जिसे कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक, जो टेम्परेचर बहुत कम होता है मगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा इमर्ज होती है कि वो हमारे अर्थ से आकर टकराती है और हमारे जो सोलर सिस्टम, मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसमें आकर इंट्रैक्ट करती है और हमारे जो सैटेलाइट हैं बहुत सारे उनको नुकसान पहुंचाती है। देखो हम यहाँ से पूरा एक एक करके चीज़ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सेकंड के लिए रहती हैं और इनके पास इनफ एनर्जी होती है, मैंने आपको बताया ये कोरोनल होल से निकलती हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है ये, स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ सोलर विंड, मतलब स्ट्रॉन्ग गस्ट होती है सोलर विंड की, क्रिएटिंग ए ब्यूटीफुल ओरोरा इन पोलर एरिया, मतलब अर्थ के पोलर एरिया में ये ओरोरा क्रिएट करती है। ओरोरा क्या होता है, देखो हमारा ये अर्थ है, अर्थ के पोलर एरिया में क्या होता है, यहाँ से जब सोलर विंड आती हैं तो यहाँ पर गैसेज होती हैं डिफरेंट टाइप की पोलर रीजन में, ये गैसेज जो होती हैं टकराती हैं हमारे इसे सोलर विंड से, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ये जब टकराती हैं इससे तो ये क्या करती हैं, टकराने के बाद क्या करती हैं, यहाँ पर एक चमकदार ऑरोरा क्रिएट होता है। बहुत सारा ऐसे आपने कभी वीडियो देखी होगी कि बहुत ज़्यादा चमक क्रिएट होती है, इसी को हम बोलते हैं सोलर, इसी को हम बोलते हैं ऑरोरा, ये पोलर रीजन में होता। आगे क्या कह रहा, कैपेबल ऑफ डिसरप्टिंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज डैमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इन सैटेलाइट इन स्पेस एंड इन सर्किट ऑफ ग्राउंड, मतलब क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज करता है, ये कैपेबल होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिसरप्ट करने के लिए, मैंने आपको बताया था। आप देख लेते हैं थोड़ा सा सोलर ऑर्बिट एयरक्राफ्ट के बारे में। सोलर ऑर्बिट एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा के द्वारा 2020 में। ये इमेज लेता है सन फ्रॉम क्लोजर देन एनी स्पेसक्राफ्ट, जो कोई भी स्पेसक्राफ्ट है उससे ज़्यादा करीब से ये इमेज लेता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव है ऑब्जर्व करता है सन के 11 ईयर साइकिल को, जो राइज और सबसाइड करता है मैग्नेटिक एक्टिविटी, मतलब हमारा जो क्या कहते हैं सोलर साइकिल है, उसकी सोलर साइकिल में क्या होता है कि उसमें मैग्नेटिक एक्टिविटी राइज होती है और डाउन होती है, राइज होती है और डाउन होती है, तो ये 11 ईयर साइकिल को अट्रैक्ट करता, मतलब स्टडी करता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है टू स्टडी द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द कोरोना, मतलब सन की जो अपर लेयर होती है, देखो सन में कई लेयर होती हैं, देखो सन की अंदर वाली लेयर को कोर बोलते हैं, ठीक है, उससे आउटर वाली लेयर को रेडियो एक्टिव जोन बोलते हैं, उससे आउटर वाली लेयर को कन्वेक्शन जोन बोलते हैं, उससे आउटर वाली लेयर को फोटो जोन बोलते हैं,
उसके आउटर वाली लेयर को हम बोलते हैं क्रोमोस्फेयर बोलते हैं, और सबसे आखिर में कोरोना होती है। ये चीज आप जान लीजिए। देखो आज का आपको डिस्कशन थोड़ा बोरिंग लग सकता है, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीजें बहुत जरूर पूछी जाती हैं कि क्योंकि हमने अभी आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है, तो हमें पता होना चाहिए कि सन के पास हमारे कौन कौन सी कोर हैं या कौन कौन सी लेयर हैं। देखो कोर होती है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए कि आपको कोर होती है, रेडिएटिव जोन होता है, कन्वेक्शनल जोन होता है, फोटोस्फीयर होता है, क्रोमोस्फीयर होता है, और कोरोना होती है। ठीक है, अब यही चीज़ इन्होंने बताई है। देखो वही बात आर्टिकल में बार बार बताई जा रही है कि कोरोना क्या होता है, कोरोनल होल्स से हमारे पिको फ्लेयर जेट निकलती हैं, और यही जेट जो है सोलर विंड प्रोड्यूस करती हैं, और यही विंड जो है हमारे एटमॉस्फेयर से टकराती हैं, और हमारे एटमॉस्फेयर से टकराकर हमारे सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर बार बार बताई गई है, मगर मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये ना लगे हमें चीज़ बताई नहीं गई। देखो यहाँ पर क्या बताया गया, सिंस दे हैव लिटिल सोलर मटेरियल, दे हैव लोअर टेम्परेचर, दे अपियर मच डार्कर देन देयर सराउंडिंग रीजन। अब यही चीज़ इस पूरे आर्टिकल में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो क्या होते हैं, ये कोरोनल होल्स जो होते हैं डार्कर होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है इनका टेम्परेचर अदर रीजन से लोअर होता है। तीसरी चीज़ होती है इसमें सोलर मटेरियल लिटिल होता है, मगर ये सोलर मटेरियल लिटिल जरूर होता है, मगर इसमें जब सोलर विंड इससे निकलती हैं तो उस सोलर विंड का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है और हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है बार बार, जो मैंने आपसे डिस्कस कर दी। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर और डिस्कस कर देता हूँ आपसे, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म इम्पैक्ट द अर्थ, मतलब क्या है कि जो स्टॉर्म आता है, देखो यहाँ से पढ़ लो आप, अर्थ मैग्नेटोस्फीयर होता है, आप जानते हैं, ए स्पेस अराउंड द प्लेनेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि हमारा अर्थ है, इसमें बहुत सारी लेयर हैं, ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, और आयनोस्फीयर जो है वो मैग्नेटोस्फीयर से स्टार्ट होती है और थर्मोस्फीयर तक जाती है। ये आयनोस्फीयर की खासियत है। आप आयनोस्फीयर ये मत सोचना केवल एक ही लेयर होती है, नहीं, आयनोस्फीयर कई लेयर में होती है। तो यही कह रहा है कि स्पेस जो अराउंड होता है हमारे प्लेनेट के, वो मैग्नेटिक फील्ड को, जो हमारी सोलर स्टॉर्म आते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो हमारे मैग्नेटिक स्फीयर को डिस्टॉर करते हैं। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म कैन काउज चेंज इन आयनोस्फीयर। वही बात बताएगी, मैंने आपको बताया कि आयनोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के बाद स्टार्ट होता है, अराउंड 400 किलोमीटर तक रहता है साइज, और 400-500 किलोमीटर तक या उससे ज़्यादा रहता होगा, मगर आयनोस्फीयर में डिस्टर्बेंस आता है, और वही रीज़न होता है कि हमारे सेटेलाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को ये सोलर विंड्स नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैंने आपको इतना फोर्स दे दे के बस एक ही बात बताई है कि कोरोनल होल क्या होता है और कैसे ये जो पीको फ्लेयर जेट हैं ये कैसे कोरोनल होल से निकलती हैं और कैसे कोरोनल होल से निकलकर हमारे मैग्नेटिक को मैग्नेटोस्फीयर्स में घुसती हैं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, तो आज का आर्टिकल हमने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर डिस्कशन में थोड़ा सा डिसरप्शन है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। थैंक यू वेरी मच।